हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBSC विजन। आज हम एक नई सोशल नेटवर्किंग की साइट के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में जान चुके हैं, तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नई सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं, मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। और मैं जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको इस सीरीज़ में प्रोवाइड कर रही हूँ उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो आप ये सारी जो भी सीरीज़ है उनको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए और लर्न कीजिए। चलिए, तो आज हम जिस साइट के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्विटर। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, अब यहाँ माइक्रो ब्लॉगिंग लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है? तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और ब्लॉगिंग का मतलब होता है जो भी आप पोस्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ रिटन मैसेज हो या फिर कोई वीडियो हो, फोटो हो, कोई भी मीडिया हो, जो भी चीज़ आप पोस्ट करते हैं उनको ब्लॉग्स कहा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन मीडियम पे। ठीक है, तो ये होता है, ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्रोवाइड करता है। अब माइक्रो ब्लॉगिंग क्यों? तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप इतने लिमिटेशंस तक ही जो है आपके ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। वो लिमिटेशंस हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि ये ट्वीट क्या होता है। ट्वीट जो भी आप पोस्ट डाल रहे हैं ट्विटर पे या जो भी आप मैसेज डाल रहे हैं ट्विटर पे लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, तो उनको ट्वीट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, लेकिन ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था जो कि हम सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले इसकी लॉन्च डेट देख लेते हैं कि ये लॉन्च कब हुआ था। तो ये 21 मार्च 2006 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, दूसरा, ये किसने फाउंड किया था? तो ये चार लोगों ने फाउंड किया था, जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम। तो टोटल चार लोगों ने ये फाउंड किया था ट्विटर। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके करंट CEO कौन है। तो अभी जो हमने पढ़ा कि फाउंड किसने किया था, उसी में से एक जिनका नाम जैक डॉर्सी था वो ही अभी इसके करंट CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब हेडक्वार्टर देख लेते हैं इसका कहाँ है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका है कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिका में ये कैलिफोर्निया स्टेट सैन फ्रांसिस्को सिटी में इस्टेब्लिश्ड है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को एक बहुत ही पॉपुलर सिटी है कैलिफोर्निया की, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश्ड है। तीसरी चीज़ देखते हैं कि इसमें लैंग्वेज कितनी सपोर्ट करता है ये। तो ये ग्लोबली अभी 34 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। 34 लैंग्वेजेस में आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, मीडिया अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल फैक्ट्स थे। अब नेक्स्ट देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस। जैसा कि हमने माइक्रो ब्लॉगिंग आगे समझा, तो उसी का डिटेलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या लिमिटेशंस है जिसके कारण इसको एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बोला जाता है। तो यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो कैरेक्टर्स में आपके अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, वीडियो, ऑडियो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो आप कैरेक्टर्स आप अपलोड करते हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा रखे हैं। आप सिर्फ 140 कैरेक्टर्स ही अपलोड कर सकते थे पहले, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नंबर हो जाता है और बहुत ही कम कैरेक्टर्स हो जाते हैं, इसमें लोग अपने मैसेजेस पूरी तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको देखते हुए फिर ट्विटर ने इसको डबल किया था, 280 कर दिया था नवंबर 2017 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी कितनी लिमिट है कैरेक्टर्स पे ट्विटर की, तो 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है। ठीक है,
मैक्सिमम आप 280 कैरेक्टर्स का पोस्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं ट्विटर पे। दूसरी चीज़ आ जाती है ऑडियो एंड वीडियो ट्वीट्स जो हैं उसकी लिमिट अभी भी 140 सेकेंड्स ही है, मतलब उसकी लिमिट में इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, ऑडियो वीडियो में सेम ही चल रहा है, 140 सेकेंड्स तक ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की थी। नेक्स्ट आता है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स। पहला फीचर जो देख पढ़ने वाले हैं हम उसका नाम है फ्लीट्स। अब फ्लीट्स क्या है? तो फ्लीट्स कुछ नहीं है जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे हम स्टोरीज़ अपलोड करते हैं, उसी को देखते हुए ट्विटर ने भी अपना एक स्टोरी फीचर लॉन्च किया जिसका नाम दिया उसने फ्लीट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि फ्लीट्स स्टोरी फीचर जो ट्विटर प्रोवाइड करती है उसको कहा जाता है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2020 को, ठीक है। तो ये करंट के हिसाब से भी थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। और इसको लॉन्च करने वाली जो पहली कंट्री थी उसका नाम ब्राज़ील था, ठीक है। तो सबसे पहले ये ब्राज़ील में लॉन्च हुआ था, फिर धीरे धीरे ये ग्लोबली दूसरी कंट्रीज़ में भी पॉपुलर हो गया और इंडिया भी इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सबसे ज़्यादा रीसेंट फीचर है जो ट्विटर ने स्टार्ट किया है कि आप मॉनेटरी टिप्स या जिसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ अकाउंट्स में, ठीक है। जैसे कुछ एनजीओ के अकाउंट्स होते हैं या कुछ ट्रस्ट के अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे आप डोनेशन देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप मॉनेटरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू, ठीक है। तो ये जो फीचर था ये ट्विटर में पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया था, क्योंकि पैंडेमिक में फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोबली हमने देखी थी, हर जगह फाइनेंशियल क्राइसिस थी और कुछ लोग हेल्प करने के लिए भी आगे आना चाह रहे थे, तो उसको देखते हुए ट्विटर ने ये फीचर को लॉन्च किया और कुछ प्लेटफॉर्म और कुछ क्रिएटर्स को उसने ये फीचर प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप मॉनेटरी टिप्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुआ तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये लॉन्च हुआ था May 2021 को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इतने ही फैक्ट्स थे आज ट्विटर में, ठीक है। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।